हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पुष्पा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्विश शायदा हमेशा से सुर्खियों में बने रहे हैं किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से, तो फिर से एल्विश शायदा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। इसके अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, खबर ये है कि ईडी ने फिर से एल्विश यादव को बुलाया है पूछताछ के लिए। जी हां, एल्विश से मनी लॉन्ड्रिंग एवं रेव पार्टियों में सांपों के जहर की आपूर्ति करने के मामले में पूछताछ की गई है। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने एल्विश को एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। खबरों के मुताबिक उससे आज लखनऊ स्थित ईडी में दफ्तर में पूछताछ हो सकती है। ये मामले रेव पार्टी और सांपों के जहर की सप्लाई से जुड़ा है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकदमा दर्ज है। इससे पहले भी ईडी की टीम यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ कर चुकी है। एल्विश से मनी लॉन्ड्रिंग व रेव पार्टियों में सांपों के जहर की आपूर्ति करने के मामले में पूछताछ की गई है। जी हाँ, 23 जुलाई को एल्विश से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन तब भी वो कई सवालों के जवाब देने से बचता रहा या फिर घुमा फिराकर जवाब दिए, जिसके बाद अब ईडी ने उसे फिर से बुलाया है। एल्विश यादव के खिलाफ रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करने के मामले में बीते साल 8 नवंबर 2023 को केस दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी ने मई 2024 से इस मामले की जांच शुरू की। यूट्यूबर एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता हैं। उन पर जानवरों की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स ने रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप लगाया था। यह संस्था बीजेपी के पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था थी। पुलिस ने संबंध में नोएडा की एक रेव पार्टी से उसके एजेंट और सपेरों को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस जब उनसे पूछताछ, तब एल्विश की इस मामले में संतिप्तता सामने आई, मतलब कि एल्विश यादव इस मामले में सामने होने की कुछ खबरें या सबूत सामने आए। इसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। तभी से एल्विश इस मामले में ईडी के रडार पर बना हुआ है। इस मामले में सिंगर फाजिल पुरिया का भी नाम सामने आया था। तो गाइस, ये पूरी खबर है। इस मामले में आगे और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं एल्विश यादव के लिए। तो फिर इस पूरे वीडियो में और इस पूरी खबर में आपका क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।